नमस्कार सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है, अब मतगणना का इंतजार भी अब समाप्त होने वाला है। पहला रुझान 9 बजे आने वाला है। आखिर बिहार में बिहार का ताज किसे मिलेगा? कौन होगा बिहार का बिग बॉस? किसे मिलेगी राज तिलक? किसे बिहार का गद्दी सौंपा जाएगा? लगातार इंतजार हम आप तमाम लोग कर रहे थे, इंतजार की वो घड़ी आज समाप्त हो गई है। आज 10 नवंबर है और बिहार विधानसभा के चुनाव के मतगणना आज है। तस्वीर और तकदीर दोनों बिहार के बदलने वाला है। कभी आमने सामने और कभी एक साथ। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो कभी साथ साथ थे आज आमने सामने। हमारा इशारा जो है आप शायद समझ चुके होंगे। 2015 की बात कर लें तो 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू और राजद साथ साथ थे, यानी तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ थे। लेकिन उस समय राजद के साथ मौजूद लालू प्रसाद यादव भी थे, लेकिन आज बिहार विधानसभा चुनाव में आज वो नहीं है, वह इस समय जेल में है। लेकिन तेजस्वी राजद की कमान संभाले हुए, सबसे अधिक रैलियों में शामिल हुए। आखिर जनता फिर से नीतीश कुमार को क्यों बनाए? या फिर बिहार की ताज, बिहार के राजकुमार तेजस्वी यादव को क्यों बनाए? आखिर किन लोगों का रुझान है तेजस्वी की ओर या नीतीश कुमार की ओर? इन तमाम चीजों पर आज सुबह सवेरे अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। बिहार की ताज राज तिलक किसे नसीब होता है, ये आज पता चल जाएगा बखूबी। पहली रुझान, दूसरी रुझान, तीसरी रुझान, चौथे रुझान तक बहुत कुछ साफ हो जाएगा। कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा, किसे जनता नकारती है और किसे सपोर्ट करती है, इन तमाम चीज़ों पर जनता का एग्जिट पोल तो चैनलों का, अखबारों का, एजेंसियों का आ चुका है, लेकिन जनता का एग्जिट पोल कल आएगा कि जनता की रुझान किस मुद्दे पर आ है। चर्चा कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने यह भी अपनी अंतिम चुनावी रैली में कह चुके हैं कि यह मेरा अंतिम चुनाव है। क्या सचमुच में नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव है? ये तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। इधर अश्वनी चौबे ने भी नीतीश कुमार पर और चुनाव पर अलग ही बयान दिया है, जो आप शायद जानते होंगे। आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में अगर तेजस्वी जीतते हैं, सीएम की कुर्सी मिलती है, तो क्या वजह हो सकते हैं? तेजस्वी को आदमी, आमजन, वोटर क्यों चुने? मैं आपको 5 वजह बताऊंगा, जिसमें पहला वजह हो सकता है या है, तेजस्वी के द्वारा 5 लाख नौकरी देने का वादा। सबसे पहला 5 वादों में, 5
वजहों में तेजस्वी को चुनने के लिए पहला वादा जो है, पहला वजह जो है वह है युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा। दूसरा वजह सीट बंटवारा भी। राजद ने जहां यादवों को टिकट दिया वहीं मुस्लिमों को भी दिया, अति पिछड़ों को भी दिया। काफी संजीदगी के साथ सोच विचार कर टिकट बंटवारे में तेजस्वी की भूमिका रही, तो दूसरा वजह यह भी हो सकता है। और तीसरा वजह सभी विधानसभा में तेजस्वी के द्वारा रैली किया जाना। जितने भी टिकट दिए गए थे तो सभी विधानसभा में उनके द्वारा रैली किया जाना। उन्होंने अपने रैलियों में यह जरूर कहा था कि मैंने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। तात्पर्य था कि मैंने दौड़ दौड़ कर, और देखा भी था आप लोगों ने किस तरह से दौड़ दौड़ के रैलियों में वो आम लोगों को संबोधित कर रहे थे, सचमुच में हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया था। तो सबसे ज़्यादा सभी सीटों पर सभी विधानसभा में तेजस्वी यादव के द्वारा रैलियां करना भी, मौजूदगी भी एक जीत का वजह हो सकता है। बता दें कि 251 रैलियों में तेजस्वी यादव ने भाग लिया था। और चौथा वजह हो सकता है या है युवा के रूप में स्थापित होना, युवाओं के बीच युवा के रूप में स्थापित होना, समाज में स्थापित होना, यह भी जीत का एक प्रमुख वजह होगा। ऐसे तो बिहार विधानसभा में चुनाव में युवा के रूप में दो आगे दिखाई दे रहे थे, जिसमें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का भी चेहरा था, लेकिन चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे थे और तेजस्वी महागठबंधन बनाकर। तो यह युवा के रूप में स्थापित होना भी जीत का वजह हो सकता है। और पांचवा और अंतिम, जो बिहार इसके लिए जाना जाता है, बिहार का चुनाव इसके लिए जाना जाता है, यानी कि जातिगत, राजद यानी तेजस्वी यादव जातिगत के रूप में भी मजबूत हैं, यादवों का रुझान है, वोटर हैं, बिहार में चुनाव जात पात पर ही होता है, इसमें भी वो मजबूत थे। तो पांचवा वजह जो है वह जातिगत फैक्टर भी होगा। इन पांच वजहों के कारण तेजस्वी यादव चुनाव जीत सकते हैं, जो आज नतीजों में पता चलेगा कि एनडीए की सरकार बनता है या महागठबंधन की। लेकिन तेजस्वी यादव पर हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने अन्य पार्टी जो थे मुद्दा बड़े बड़े बनाए हुए थे, पोस्टर में लंबे चौड़े बात लिखे हुए थे, लेकिन तेजस्वी यादव बहुत ही छोटे से शब्द में, वाक्य में वह मुद्दे को लोगों के बीच पेश कर रहे थे। कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, इन मुद्दों को एक वाक्य में पिओ कर पोस्टरों में, बैनरों में या मंचों पर वे रख रहे थे। ज़्यादा ठेलम ठेल, भीड़ भड़कम वाली, वाक्यों से भरपूर, ऐसा कुछ नहीं, कम शब्दों में अपनी बात को रख रहे थे। विकास की मुद्दा यानी कि उनके लिए युवा टारगेट पर थे, नौकरी देने की बात सबसे पहले कर रहे थे। संविदा कर्मी भी, नियोजित शिक्षकों को भी बार बार वो कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे, आशा को देंगे, जीविका दीदियों को देंगे, सबको वेतन में बढ़ोतरी करेंगे, नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे, रेगुलर कर देंगे, यह भी एक वजह हो सकता है। दूसरा फैक्टर यह भी काम किया, चिराग पासवान को अलग से चुनाव लड़ना, अलग होकर चुनाव लड़ना। अगर चिराग पासवान भाजपा जदयू यानी एनडीए के साथ में मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद कुछ और परिदृश्य होता हो सकता था। तो चिराग पासवान को भी अलग लड़ना तेजस्वी यादव के लिए खास रहा है। अलग अगर देखते हैं
तो अन्य पार्टियों में कई प्रमुख चेहरे नजर आते हैं, लेकिन राजद में रैलियों में या पोस्टरों में मात्र एक चेहरा दिखाई दे रहा था, वह था तेजस्वी यादव का चेहरा। यह भी एक प्रमुख वजह में हो सकते हैं, वजह बन सकते हैं कि राजद की ओर से, महागठबंधन की ओर से मात्र एक चेहरा दिखाई दे रहा था, वह था तेजस्वी यादव का चेहरा। दूसरे अन्य पार्टियों में मतभेद भी चल रहे थे, लेकिन राजद में बहुत ही कम ऐसा महसूस लोगों ने किया, तो यह भी एक वजह हो सकते हैं। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर जीतेंगे, अगर इनकी सरकार बनती है, तो जीत की वजह विकास होगा, महिलाओं की भूमिका अधिक होगा, हर घर में बिजली पहुंचाना, सड़कों का जाल, पुल पुलिया बनाना, अस्पताल और स्कूल की व्यवस्था को सुधारना, स्कूल भवनों का निर्माण कराना, इन तमाम मुद्दों के कारण नीतीश कुमार जीत सकते हैं। 7 निश्चय योजना के कारण जीत सकते हैं, और 7 निश्चय योजना 2 लॉन्च करना, बताना लोगों को, अगर जीतेंगे तो यह वजह भी हो सकता है। लेकिन भाजपा और जदयू दोनों मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, भाजपा की ओर से भी 19 लाख रोजगार सृजन की बात की जा रही थी कि रोजगार का हम सृजन करेंगे। इन तमाम चीजों के कारण और मोदी फैक्टर यानी कि मोदी जी का भी जादू बिहार में चला है, यह भी महसूस किया गया है। बहुत सारे वोटरों का मानना था कि हम तो भाजपा के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ में नहीं हैं। तो यह भी हो सकता है कि जहां जहां भाजपा के कैंडिडेट हों, वहां वहां जनता बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हों, और जहां जदयू के कैंडिडेट हो तो शायद कुछ कम हुआ हो। लेकिन विकास से, नीतीश कुमार से भी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा खुश नहीं भी न भी थे। अब तो आज पता चल जाएगा, लगातार रुझान के बाद, रुझान आने के बाद दोनों आमने सामने हैं। एक विकास करके दिखाया है और उस चीज़ों को गिनाया है, या दूसरा विकास करने की वादा कर रहे हैं। लेकिन युवा वर्ग जो है तेजस्वी यादव की तरफ इस बार काफी खासा आकर्षित हुए, और महिला लड़कियां नीतीश कुमार की तरफ। टक्कर तो बड़ा जबरदस्त है, रिजल्ट जो भी आए लेकिन टक्कर मजबूत है। यह चुनाव 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव यहां के लोगों के लिए एक खास होगा, खास तस्वीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी। तो हमारे साथ आप बने रहें, मेरा यह सुबह सवेरा कार्यक्रम कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप मतगणना के रुझान जानने के लिए हमारे साथ आप बने रहें, और तब तक आप मगध संवाद को देखते रहें। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।